तो दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर हम इस शर्म का आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। इस शर्म का को हम आपको सिद्ध करके प्रूफ करके बताएंगे शर्म का बराबर होती है कि नहीं। आधे शर्म का अपन बराबर तो होती है, क्योंकि बराबर तो होती हैं वे, आपको पता भर चाहिए कैसे होती हैं जी बराबर। सिद्ध करके देखना पड़ेगा आपको कैसे बराबर होते हैं, वो हम आपको वहीं प्रूफ करके बता रहे हैं। तो आपको हल में लिखना है, और इसमें दो लिखा क्या, तो इसमें दो पक्ष हैं, तो अपन क्या ले लेंगे इसको ना, इससे लिख लेंगे माइनस के बी या प्लस के बी। ये थोड़ी उल्टी लिखी है ना, तो इसको ऐसा लिख लेंगे अपन ए स्क्वायर माइनस के बी। ठीक है, तो अपन ने ऐसा लिख लिया। अब इसका एल एच एस ले लेंगे अपन, एल एच एस वाला पक्ष ले लेंगे। तो जी इस साइड होता है एल एच एस, इस साइड होता है आर एच एस, तो हम एल एच एस सॉल्व करके इसको अब आ देंगे तो जी बराबर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ऐसा करेंगे। ठीक है, तो जी अपन डायरेक्ट तो फार्मूला लगाते रहते, लेकिन अपन को पता नहीं ये कहाँ से आता, तो आज जानेंगे अपन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखना लास्ट तक बने रहें, तो पूरा वीडियो देखो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो इनका क्या है, इनके बीच में गुणा है, तो अपन गुणा तो बनता है, तो गुणा करेंगे इनका इसमें, तो ए का ए में करेंगे तो कितना हो जाएगा, घाते जुड़ जाएँ गुणा। कैसे, आधार एक समान चार हैं और आधार एक जैसे भी हैं, तो समान चार हो गए, घाते आपस में जुड़ जाते हैं। तो एक घात इनकी थी, एक घात भाई इनकी थी, तो ये घात जुड़े तो एक एक कितने हो जाए, दो, एक इनकी दो हो जाए, इनका गुणा हो गया। अब इसका अपन इसमें भी करना, अब इसके अगले पद में प्लस का है, जे भी प्लस का, तो चिन्ह भी आपका कन्फर्म होगा कि प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो एक गुणे ये तो अलग अलग, तो इनका गुणा होगा ही नहीं, तो ये गुणा में लिखे रहे हैं तो नहीं होगा, तो इनका अलग गुणा में लिखे रहे हैं, बस बात हो गई। यहाँ पर अब इसका तो हमने इसका इसमें कर लिया, इसमें भी कर लिया। अब अपने बच्चे जो दूसरा चार है बी बच्चों, तो माइनस का बी हो प्लस का ए, तो माइनस का तो आएगा, माइनस का ए और बी आ जाएगा। इसको आप बी ए लिख सकते हो, चाहे ए बी गुणा में नाम लिख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं होती, चाहे अब ए भी लिखते हो चाहे बी ए होते हैं जी, एक ही से लिखते आ जाओ पलट दो। तो आपके जे तो माइनस का आएगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस का आएगा गुणा होगा। तो आपका बी और इनका गुणा करेंगे, तो बी माइनस का बी हो प्लस का बी है, तो इनकी आधा तो एक जैसे समान चार भी, तो घात हैं जोड़ जाए, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, तो आपका एल एच एस बराबर कितना आ गया, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर जे आपका ए बी का प्लस का है, और ए माइनस की जा माइनस को ए बी, तो जे आपके इतने जी कट जे हैं, माइनस प्लस में से कट गए, तो बचेगा आपको ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। दोस्तों अपन को यही तो सिद्ध करना था, ए स्क्वायर माइनस एल एच एस बराबर क्या, आर एच एस आ चुका है, क्योंकि अपनों का है, क्योंकि अपनों आर एच एस बराबर, आर एच एस बराबर का है, आर एच एस बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यही तो अपनों एल एच एस और यही आर एच एस दो बराबर हैं, इसलिए जी कहा हो जाए एल एच एस बराबर क्या है, आर एच एस। ठीक है, दो ही एक से हैं, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर दो ही बराबर है, ये अपना प्रूफ हो गया। तो इतना अपन को इसको प्रूफ करना, तो बता दिए अपन ने प्रूफ करके। ठीक है, तो दोस्तों और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर अपन करना, कमेंट में करके बताओ यार वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो कमेंट करें। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय राम जी की।